अब खबर ग्वालियर से है, जहां एनएसयूआई का जंगी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय का एनएसयूआई ने घेराव किया और यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। पुलिस को करना पड़ा यहां पर बल का भी प्रयोग, क्योंकि बैरिगेटिंग पर भी चढ़ते हुए एनएसयूआई के लोग नजर आ रहे थे, जिनको रोकने के लिए यहां पर बल का प्रयोग किया गया। एनएसयूआई छात्रों की गिरफ्तारी भी की गई है और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे की अगुवाई में हो रहा था यह प्रदर्शन। दरअसल इनकी मांग थी कि बीबीए और बीकॉम ऑनर्स की सीटें बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने को लेकर भी यह प्रदर्शन किया जा रहा था। अब आपको उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रदर्शनकारी कितने ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और बैरिगेटिंग पर चढ़ गए। हालांकि यहाँ पर बैरिगेटिंग लगाई गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती भी थी ताकि अंदर कोई भी ना घुस सके, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे ये प्रदर्शन जो है और ज्यादा यहाँ पर उग्र होता गया, वैसे वैसे पुलिस ने यहाँ पर एक्शन भी लिया। यहाँ पर बल का भी प्रयोग किया गया और रोकने की भी कोशिश की गई। कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है पुलिस द्वारा। मैन से इनका स्टूडेंट्स के लेके विश्वविद्यालय का उस पर इनका कहना है कि पहले से भी ज्ञापन वगैरह दे चुका है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तो, आज इसीलिए वो जीवाजी यूनिवर्सिटी में घेराव कर रहे हैं। इसमें जो इनका इमीडिएट डिमांड ये था कि वीसी इधर मौके पे आए और इनसे बात करे और इनको ये प्रॉमिस दे दे कि ये कार्रवाई हो जाएगी उनके जो डिमांड के अनुसार, बट वीसी इज़ नॉट हियर, वीसी भोपाल में है तो इधर लाना संभव नहीं है। तो और इसका चार्ज ऑफिसर आया था, उनसे उनके साथ इनके बातचीत सहमति पे नहीं हो पाया तो फिर इन्होंने मना किया उनसे बात करने को भी। लाठी के दम पे गिरफ्तारी हो रही है, आप देखो कैसे कैसे दबाने का काम कर रहे हैं और यही काम निरंतर। तो यह स्पष्ट है, मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे एनएसयूआई की लोकल बॉडी के साथ ही कई दिनों से वीसी को अवगत करा रहे थे कि यहाँ 120 सीटें हुआ करती थी पारंपरिक कोर्सेज में, जिनको घटाकर आधी कर दिया गया है। हम लोग लगातार जो प्रवेश लेने वाले छात्र उनके संपर्क में है, यहाँ पर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है लेकिन सीट कम है। सीटें बढ़ाना बीसी के हाथ में है, विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में है लेकिन सीट नहीं बढ़ाई जा रही, इसी को लेकर आज हम यहाँ पर बीसी से मिलने आए थे। लेकिन डरपोक बीसी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो यहाँ पर कई मांगों को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा था और ऐसे में जैसे जैसे यहाँ पर एग्रेसिव कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ता नजर आए, उसी बीच पुलिस बल भी यहां पर काफी एक्टिव नजर आया और एक्शन लेना पड़ा मजबूरन। ये तस्वीरें अब आपको उस दौरान की हम दिखा देते हैं। बैरिगेटिंग के ऊपर चढ़ते हुए आपको एनएसयूआई के यहां कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे और साथ ही पुलिस को बल प्रयोग इस बीच करना पड़ा रोकने के लिए ताकि अंदर कोई ना घुस सके और जो पूरा माहौल है वो शांतिपूर्वक बना रहे। हालांकि बीबीए, बीकॉम और कुछ कोर्सेस की सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था एनएसयूआई द्वारा, लेकिन जैसे जैसे ये प्रदर्शन उग्र होता गया यहाँ पर बल का प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर देखी गई। बैरिगेटिंग पहले ही लगा दिया गया था जैसे ही प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, अभी क्या स्थिति है वहाँ की, क्या हालात है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए एनएसयूआई ने कुछ दिन पहले जीवाजी को एक चेतावनी दी थी, यदि उनकी कुछ मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है तो वो जीवाजी यूनिवर्सिटी पर एक विरोध जंगी प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर आज जो एनएसयूआई और कांग्रेस के युवा कांग्रेस के नेता वहाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहाँ पहुँच कर जो जंगी प्रदर्शन किया। वही पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट था, वहाँ जो कांग्रेसी युवा और एनएसयूआई के छात्र थे उनके द्वारा बैरिगेट तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया गया। वहीं कुलपति से बात करने की बात कही गई, उनको प्रयास किया गया, वहीं कुलपति से बात करने की बात कही गई, उनको बुलाने की बात कही गई, लेकिन जब कुलपति जो है कि भोपाल में किसी मीटिंग के दौरान मीटिंग के लिए भोपाल गए हुए, उससे मुलाकात नहीं हो पाई, जिसको जो युवा कांग्रेस है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता है आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, जिसको लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए जितने भी जो कांग्रेस नेता और एनएसयूआई के जो छात्र थे उनको हिरासत में ले लिया है और जो कार्रवाई हुई प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसके आधार पर बॉन्ड करके उन्हें छोड़ा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।